हेलो एवरीवन वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अनफोल्ड लर्निंग और आज मैं लेकर आई हूँ आपके लिए एक और सोलूशन वीडियो फ्रॉम कैंडिड आईसीएससी मैथमेटिक्स क्लास नाइन फ्रॉम एवरग्रीन पब्लिकेशन जिसकी यूनिट टू कमर्शियल मैथमेटिक्स का चैप्टर टू कंपाउंड इंटरेस्ट की एक्सरसाइज टू हम सॉल्व कर रहे थे और आज हम इस एक्सरसाइज में क्वेश्चन फ्रॉम ग्रोथ एंड डिप्रिसिएशन सॉल्व करेंगे तो ये एक्सरसाइज स्टार्ट करने के पहले ग्रोथ क्या होता है डिप्रिसिएशन क्या होता है ये हम जान लेते हैं और साथ ही साथ अगर आपने प्रीवियस एक्सरसाइजेस मिस कर दिए हैं तो प्लीज डू हैव अ लुक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स ऑफ दिस वीडियो जहां पर आपको बाकी के एक्सरसाइजेस के सॉल्यूशंस की वीडियो की लिंक मिल जाएगी तो आइए स्टार्ट करते हैं कि ग्रोथ क्या होता है द इंक्रीज इन द वैल्यू पर ईयर इज कॉल्ड द रेट ऑफ ग्रोथ तो जब भी हम कोई पैसे जमा करते हैं या किसी को देते हैं तो हम क्या सोचते हैं कि उस पर हमें कुछ इंटरेस्ट ज़्यादा मिल जाए कुछ पैसे ज़्यादा मिल जाए सो so, इसी बेसिस पे हम कहते हैं कि हमने ग्रोथ की है। अगर वो पैसे हमने जो दिए हैं उससे कम पैसे मिलेंगे बैंक से तो हम क्या कहेंगे इट इज डिप्रिसिएशन डिप्रिसिएशन क्या होता है डिक्रीज इन द वैल्यू पर ईयर इन द रेट ऑफ इस कॉल्ड द रेट ऑफ डिप्रिसिएशन तो इसको कैल्कुलेट करने के लिए दो मेथड्स हैं पहला है अगर हमारा रेट ऑफ ग्रोथ कॉन्स्टेंट है ठीक है ना जो हमारा रेट है जैसे कि हम प्रीवियस एक्सरसाइज़ में देख चुके हैं रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है आर जो कि परसेंटेज में होता है अगर वो कॉन्स्टेंट है तो वैल्यू आफ्टर एन ईयर्स क्या हो जाएगी प्रेजेंट वैल्यू मल्टीप्लाइड बाय वन प्लस आर अपॉन हंड्रेड टू द पावर एन और अगर हमको प्रेजेंट वैल्यू निकालनी है तो वैल्यू एन ईयर्स अगो तो एन ईयर्स के पहले जो थी वन प्लस आर अपॉन हंड्रेड टू द पावर एन हम कर देंगे और अगर जो हमारी रेट ऑफ ग्रोथ है आर वन है पहले ईयर के लिए आर टू है सेकेंड ईयर के लिए तो उस केस में द वैल्यू फॉर टू ईयर्स वो क्या हो जाएगी प्रेजेंट वैल्यू मल्टीप्लाइड बाय वन प्लस आर वन अपॉन हंड्रेड एंड वन प्लस आर टू अपॉन हंड्रेड ठीक है ना तो हर ईयर की रेट अलग है तो यहाँ पर हम अलग ब्रैकेट में वन प्लस आर वन अपॉन हंड्रेड वन प्लस आर टू अपॉन हंड्रेड इस तरीके से सॉल्व करेंगे सिमिलरली फॉर द प्रेजेंट वैल्यू वैल्यू फॉर टू ईयर हम निकाल देंगे मल्टीप्लाइड बाय वन प्लस आर वन अपॉन हंड्रेड वन प्लस आर टू अपॉन हंड्रेड मान लीजिए आपके पास थ्री ईयर्स के लिए आर थ्री भी है तो यहां पर भी हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे एज वन प्लस आर थ्री अपॉन हंड्रेड तो आप एक कोई फॉर्मूला याद कर लीजिए डिप्रिसिएशन में सिंपल है यहां पर माइनस हो जाएगा सो वैल्यू आफ्टर एनी ईयर्स विल बी प्रेजेंट वैल्यू मल्टीप्लाइड बाय वन माइनस आर अपॉन हंड्रेड टू दी पावर एन और अगर आर वन फर्स्ट ईयर के लिए आर टू सेकेंड ईयर के लिए है तो वैल्यू आफ्टर टू ईयर्स मतलब दो रेट ऑफ इंटरेस्ट है दो साल के लिए प्रेजेंट वैल्यू मल्टीप्लाइड बाय वन माइनस आर वन अपॉन हंड्रेड एंड वन माइनस आर टू अपॉन हंड्रेड इस तरीके से आप कैलकुलेट कर सकते हैं और थ्री ईयर्स के लिए होगा तो हम आर थ्री भी माइनस कर देंगे इसी तरीके से ओके सो मूविंग ऑन टू दी एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर वन द पॉपुलेशन ऑफ टाउन इनक्रीज बाय ट्वेंटी परसेंट एवरी ईयर इफ इट्स प्रेजेंट पॉपुलेशन इज फोर लैख थर्टी टू थाउजेंड फाइंड ए इट्स पॉपुलेशन आफ्टर टू ईयर्स सेकेंड इट्स पॉपुलेशन टू ईयर्स अगो तो इस टाइप के क्वेश्चन में हम कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे तो हमारे पास जो प्रजेंट पॉपुलेशन है वो गिवन है प्रेजेंट पॉपुलेशन दैट इज फोर लैक थर्टी टू थाउजेंड ओके ये हमारी प्रेजेंट पॉपुलेशन है एंड रेट इंक्रीज हो रही है दैट इज ट्वेंटी परसेंट एवरी ईयर ठीक है तो अब इसे हमें पॉपुलेशन आफ्टर टू ईयर्स फाइंड करना है मतलब एन की वैल्यू है फॉर टू ईयर्स तो अब हम यहाँ पर फर्स्ट पार्ट के लिए सॉल्व कर देते हैं दैट पॉपुलेशन आफ्टर टू ईयर्स इंक्रीज मतलब ग्रोथ है तो फॉर्मूला हो जाएगा हमारे पास पॉपुलेशन एट प्रेजेंट मल्टीप्लाइड बाय वन प्लस आर अपॉन हंड्रेड टू पावर एन पॉपुलेशन एट प्रेजेंट इज फोर लैख थर्टी टू थाउजेंड वन प्लस आर इज ट्वेंटी अपॉन हंड्रेड टू द पावर टू ये कैंसिल आउट हो गया फाइव टाइम्स सो इट इज़ फोर थ्री टू ट्रिपल ज़ीरो मल्टीप्लाइड बाय सिक्स अपॉन फाइव का होल स्क्वायेर ये एलसीएम लेके हमने सॉल्व कर दिया है सो so कैलकुलेशन में फोर थ्री टू ट्रिपल ज़ीरो मल्टीप्लाइड बाय सिक्स इंटू सिक्स एंड फाइव इंटू फाइव दिस इज गोइंग टू बी सिक्स लैक ट्वेंटी टू थाउजेंड एंड एट्टी

पॉपुलेशन एन ईयर्स अगो इन टू वन प्लस आर अपॉन हंड्रेड टू दावर एन तो हमारे पास जो प्रेजेंट पॉपुलेशन है ये आपके लिए है टू ईयर्स अगो के लिए हम यहां लिखेंगे पॉपुलेशन एट प्रेजेंट ठीक है तो पॉपुलेशन एट प्रेजेंट है फोर थ्री टू ट्रिपल जीरो पॉपुलेशन इन टू ईयर्स आपको फाइंड करना है मल्टीप्लाइड बाय वन प्लस आर हमारे पास है ट्वेंटी अपॉन हंड्रेड टू दी पावर टू ठीक है तो यहाँ पर हम इसको सॉल्व कर देंगे सो दिस विल बिकम पॉपुलेशन टू ईयर्स अगो मल्टीप्लाइड बाई ये फाइव से कैंसिल हो जाएगा और एल सी एम लेके सिक्स अपॉन फाइव का स्क्वायर हो जाएगा एंड दिस इज फोर लैख थर्टी टू थाउजेंड सो इसको हम इस साइड ले जाएंगे सो वी कैन राइट पॉप्युलेशन टू ईयर्स अगो दैट इज फोर लैख थर्टी टू थाउजेंड मल्टीप्लाइड बाय फाइव का स्क्वायर ट्वेंटी फाइव सिक्स का स्क्वायर थर्टी सिक्स ओके तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे दिस इज गोइंग टू बी थ्री लाख, ओके सो दिस इज द फाइनल आंसर क्वेश्चन नंबर टू अ कार अकार्वस परचेज टू ईयर्स अगो द वैल्यू डिप्रिशिएट एट ट्वेंटी परसेंट पर एनम इफ इट्स प्रेजेंट वैल्यू इज फोर लैख फाइंड द वैल्यू आफ्टर टू ईयर्स सेकेंड इट्स वैल्यू फॉर विच इट वॉज परचेज टू ईयर्स अगो तो हम यहाँ पर फर्स्ट निकालेंगे द वैल्यू आफ्टर टू ईयर्स ठीक है तो आफ्टर टू ईयर्स के लिए हम फार्मूला क्या यूज करते हैं प्रेजेंट वैल्यू मल्टीप्लाइड बाई वन माइनस आर डिप्रिसिएशन है डिवाइड बाय हंड्रेड टू दावर एन तो प्रेजेंट वैल्यू है हमारे पास फोर लाख मल्टीप्लाइड बाय वन माइनस रेट है ट्वेंटी डिवाइडेड बाय हंड्रेड टू पावर टू ये कैंसिल आउट हो जाएगा फाइव टाइम्स तो ये आ जाएगा फोर अपॉन फाइव सो फोर लाख मल्टीप्लाइड बाय फोर अपॉन फाइव इंटू फोर अपॉन फाइव बिकॉज टू टाइम्स मतलब स्क्वायर है इसलिए और ये कैंसिल आउट हो जाएगा वील गेट दी वैल्यू एज टू फाइव सिक्स ट्रिपल जीरो मतलब टू लैख फिफ्टी सिक्स थाउजेंड अब आपको फाइंड करना है वैल्यू फॉर विच इट वॉज परचेज टू ईयर्स अगो तो हमारे पास फॉर्मूला है दैट प्रेजेंट वैल्यू इज इक्वल टू वैल्यू एन ईयर्स अगो मतलब टू ईयर्स अगो दैट विल बी वन माइनस आर अपॉन हंड्रेड टू दावर टू हो जाएगा यहां पर वैल्यू पुट कर देते हैं प्रेजेंट वैल्यू है हमारे पास फोर लाख ,00 रुपीज और वैल्यू टू ईयर्स अगो हमको फाइंड करनी है वन माइनस ट्वेंटी अपॉन हंड्रेड टू दी पावर टू हम कर देंगे फाइव से कैंसिल आउट हो जाएगा So, we'll get value two years ago that will be 4 lakh and it's going multiply multiply 4 upon 5 so it will be 5 into 5 divided by 4 into 4. So, this is going to be 6 lakh 25,000 as the value. So, this is in rupees, this is also in rupees. क्वेश्चन नंबर थ्री अ कंप्यूटर वॉर परचेज वन ईयर अगो फॉर ट्वेंटी थाउजेंड इट्स वैल्यू डिप्रिशिएट एट द रेट ऑफ फिफ्टीन परसेंट पर एनम फाइंड इट्स प्रेजेंट वैल्यू सेकेंड इट्स वैल्यू आफ्टर वन ईयर तो ये है कॉस्ट वन ईयर अगो तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं वैल्यू वन ईयर अगो दैट इज रुपीज ट्वेंटी थाउजेंड एन हमारे पास वन है एंड रेट इज फिफ्टीन परसेंट डिप्रिसिएशन है ठीक है तो फर्स्ट वाले पार्ट में हमको प्रेजेंट वैल्यू निकालनी है सो प्रेजेंट वैल्यू इज इक्वल टू वैल्यू वन ईयर अगो मल्टीप्लाइड बाय वन माइनस आर अपॉन हंड्रेड टू दावर वन हो जाएगा सो इट इज़ ट्वेंटी थाउजेंड वन माइनस फिफ्टीन अपॉन हंड्रेड टू दावर वन तो इसको सॉल्व करेंगे विल गेट ट्वेंटी थाउजेंड मल्टीप्लाइड बाय इसको एटी फाइव अपॉन हंड्रेड कर देते हैं ये ज़ीरो से ये ज़ीरो कैंसिल देन द प्रेजेंट वैल्यू विल गेट हियर इज सेवेंटीन थाउजेंड रुपीज अब हमको फाइंड करना है इट्स वैल्यू आफ्टर वन ईयर सो वैल्यू आफ्टर वन ईयर के लिए हम फॉर्मूला क्या ले लेंगे प्रेजेंट वैल्यू मल्टीप्लाइड बाय वन माइनस आर अपॉन हंड्रेड टू दी पावर वन फॉर वन ईयर ले रहे हैं इसलिए प्रेजेंट वैल्यू अभी कितनी है सेवनटीन थाउजेंड वन माइनस फिफ्टीन अपॉन हंड्रेड टू दी पावर वन मतलब सेवनटीन थाउजेंड को हम मल्टीप्लाई कर देंगे एट्टी फाइव अपॉन हंड्रेड से ये दोनों ही कैंसल आउट हो गए सो वील गेट दी वैल्यू एज रुपीज फोर्टीन थाउजेंड फोर हंड्रेड एंड फिफ्टी एज दी वैल्यू आफ्टर वन ईयर क्वेश्चन नंबर फोर द प्रेजेंट पॉपुलेशन ऑफ अ टाउन इज टू लैख इट्स पॉपुलेशन इंक्रीजिस बाय टेन पर्सन इन द फर्स्ट ईयर एंड फिफ्टीन परसेंट इन द सेकेंड ईयर फाइंड द पॉपुलेशन ऑफ द टाउन एट द एंड ऑफ टू ईयर्स सो प्रजेंट पॉपुलेशन आपको गिवन है दैट इज रुपीज इट इज नॉट इन रुपीज इट इज टू लैख पॉपुलेशन है टू लैख और ये इंक्रीज हो गई फर्स्ट ईयर में मतलब आर वन आ गया टेन परसेंट आर टू आ गया फिफ्टीन परसेंट सेकेंड ईयर के लिए पॉपुलेशन ऑफ द टाउन एट द एंड ऑफ टू ईयर्स फाइंड करना है सो पॉपुलेशन आफ्टर टू ईयर्स अगर हम फाइन करते हैं तो प्रजेंट पॉपुलेशन वन प्लस आर वन अपॉन हंड्रेड इंटू वन प्लस आर टू अपॉन हंड्रेड सो प्रेजेंट पॉपुलेशन इज टू लैख वन प्लस टेन अपॉन हंड्रेड इंटू वन प्लस फिफ्टीन अपॉन हंड्रेड ठीक है तो यहाँ पर आ गया ये टू लाख मैं इसको कट नहीं करूँगी इसको ऐसे ही सॉल्व करेंगे दिस बिकम्स हंड्रेड एंड टेन अपॉन हंड्रेड मल्टीप्लाइड बाय हंड्रेड एंड फिफ्टीन अपॉन हंड्रेड तो ये चार जीरो में से कैंसिल हो जाएंगे सो इन ऑल वील गेट दिस वैल्यू एज टू फाइव थ्री सो टू लैख फिफ्टी थ्री थाउजेंड इज दी आंसर क्वेश्चन नंबर फाइव द वैल्यू ऑफ अ कार इज वन लैख एट प्रेजेंट इफ द वैल्यू डिप्रिशियट टेन परसेंट इन फर्स्ट ईयर एट परसेंट इन सेकेंड ईयर एंड फाइव परसेंट इन थर्ड ईयर वट विल बी इट्स डिप्रिशियेटेड वैल्यू आफ्टर थ्री ईयर तो यहां पर आपको प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द कार गिवन है दैट इज वन लैख और फर्स्ट ईयर में डिप्रिसिएशन गिवन है टेन परसेंट सेकेंड ईयर में डिप्रीसीशन गिवन है एट परसेंट एंड थर्ड ईयर में इज फाइव परसेंट तो यहाँ पर आपको डिप्रिशिएटेड वैल्यू आफ्टर थ्री ईयर्स बताना है सो वैल्यू आफ्टर थ्री ईयर्स विल बी प्रेजेंट वैल्यू दैट इज वन लाख मल्टीप्लाइड बाय वन माइनस टेन अपॉन हंड्रेड वन माइनस एट अपॉन हंड्रेड एंड वन माइनस फाइव अपॉन हंड्रेड तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा ये वन लैक मल्टीप्लाइड बाय नाइन्टी अपॉन हंड्रेड दिस विल गिव नाइन्टी टू बाय हंड्रेड एंड दिस विल गिव नाइन्टी फाइव बाय हंड्रेड तो एक दो तीन चार पाँच जीरो तो ये कैंसिल हो गए और एक जीरो नाइन्टी वाला कैंसिल हो गया In all solving, we will get this value as 78,660 as the value of the car after 3 years. Question number 6 The population of a town decreased by 12% during 2018 and then increased by 8% during 2019. Find the population of the town at the beginning of 2018 if at the end of 2019 its population was. टू लाख एटी फाइव थाउजेंड वन हंड्रेड एंड ट्वेंटी तो अभी तो हमारे पास प्रेजेंट पॉपुलेशन नहीं है तो पहले तो हम प्रेजेंट पॉपुलेशन जो गिवन है 2019 के लिए उसको सॉल्व करेंगे और प्रेजेंट पॉपुलेशन इन 2018 फाइंड करेंगे ठीक है तो यहाँ पर हम फाइंड कर लेते हैं Present population in two thousand nineteen that will be equal to the population in beginning of 2018 मतलब टू इयर्स की हमारी जो पॉपुलेशन है वो हम फाइंड करें टू इयर्स एगो वाली ठीक है और वन माइनस आर वन लेंगे बिकॉज डिप्रिसिएशन है और वन प्लस आर टू लेंगे दैट इज इंक्रीज है ठीक तो यहाँ पर अब हम यहाँ प्रेजेंट पॉपुलेशन टू एट फाइव वन टू जीरो ले रहे हैं एट द एंड है ये ठीक है टू ईयर्स में हमको पॉपुलेशन निकालनी है पॉपुलेशन इन बिगिनिंग ऑफ 2018, सो वन माइनस ट्वेल्व अपॉन हंड्रेड और ये आ जाएगा वन प्लस एट अपॉन हंड्रेड सो पॉपुलेशन इन बिगनिंग ऑफ 2018 विल बी 285120 मल्टीप्लाइड बाय मैं इसको 100 को एज इट इज ले रही हूँ 100 इन टू और नीचे आ जाएगा 100 माइनस ट्वेल्व विच इज़ 88 एट एंड हंड्रेड प्लस एट विल बी वन जीरो एट ऑन सॉल्विंग दिस वील गेट थ्री लैक द पॉपुलेशन इन द बिगनिंग ऑफ टू थाउजेंड एंड एटीन सो हैीज आर दी सोल्यूशन एंड आई होप आपको मेरे सोल्यूशन वीडियो जरूर पसंद आ रही होंगे अगर आपको कोई भी डाउट ए क्वेरी है तो आप मेरे चैनल के कॉमेंट सेक्शन में कॉमेंट करके या फिर मेरे टेलीग्राम ग्रुप जिसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंशन की है वहाँ से आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं अपने डाउट्स एंड क्वेरीज पूछ सकते हैं एट लास्ट प्लीज डू शेयर माई वीडियोज विथ फैमिली एंड फ्रेंड्स एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल थैंक यू फॉर वॉचिंग